नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कि यूपीटेट 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अनिवार्य रूप से ले जाना है। तो यदि आप भी यूपीटेट 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, स्क्रीन पर आप यूपीटेट 2019 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज नंबर 10 और 11 देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और पूरी जानकारी देता है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है। दोस्तों, पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वह इंटरनेट से प्राप्त एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपने यूपीटेट के लिए आवेदन करते समय जो आईडी प्रूफ लगाई होगी, जिसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट और बैंक पासबुक भी अलाउ किया गया था, तो इनमें से जो कुछ भी आपने लगाया होगा वह ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूँगा कि अगर जो भी आईडी आपने लगाई थी और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप उसके लिए उसके सपोर्ट में दूसरी आईडी जरूर लेकर के जाएं। दोस्तों, दो डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, आपने जो प्रशिक्षण कंप्लीट किया है बीएड या फिर बीटीसी, उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल या फिर किसी भी ईयर या फिर किसी भी सेमेस्टर का एक मार्कशीट ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। इन केस अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इंटरनेट से प्राप्त कोई भी अंक पत्र, किसी भी सेमेस्टर या फिर बीएड के केस में किसी भी ईयर का अंक पत्र आप अपने संबंधित संस्था से जहां से आपने प्रशिक्षण कंप्लीट किया है या फिर प्रशिक्षण रत है वहां से उसको अटेस्ट करवा कर भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गए तीन डॉक्यूमेंट। और चौथा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज करूं तो यूपीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको चार चीज़ें लेकर के जानी है। पहला, आपको एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी प्रूफ जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, और तीसरा आपका प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ओरिजिनल में, और अगर ओरिजिनल नहीं है तो इंटरनेट से प्राप्त मार्कशीट को आप संबंधित संस्था से अटेस्ट करवा करके ले जाएंगे। और चौथा है ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना है। बस ये चार चीज़ें आपको परीक्षा में लेकर के जानी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।